ओके थैंक यू। आई थिंक सही बोला आपने बिल्कुल, जैसे कि इसका मतलब ये है कि सिंपल कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से पढ़ाई करिए, क्या पढ़ाई करिए, बट ये है कि आप उसको कितना प्रैक्टिकली उस चीज को ला पा रहे हैं, और आपके अंदर आपने वो काम अच्छा सीखा है कि नहीं सीखा है, और हाँ उसमें सर, कितना पैशनेट है आप उस चीज को लेकर के। बिल्कुल सही बात बोली। एक चीज और पवन जी मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है आमतौर पे, जैसे आजकल हमने देखा है कि कई फिल्म स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का फाइनल फिल्म बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो वो अपनी खुद की फिल्म लिखते हैं और लिखने के बाद उसको डायरेक्ट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लिखने की क्षमता भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये बहुत सवाल मेरे पास कई बार लोगों के है कि ऐसा सर क्या हो सकता है कि हम टेलीविजन में एज अ राइटर अप्रोच करें, या हम फिल्म के लिए कहीं पे जाएं असिस्ट करें किसी राइटर को, या अगर हमें डायरेक्शन डायरेक्शन करना है तो पहले हमें राइटिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो जो नए बच्चे हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, टेलीविजन हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्या उन्हें पहले राइटिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्या, या उन्हें किस तरह से यू नो छोटे छोटे चीजों को हासिल करना चाहिए, पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए उनके। ये बहुत सही बात है। मेरा ही मानना है कि मेरे पास ना बहुत सारी शॉर्ट फिल्में आती हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की, कॉलेजेस की, जो मास कम्युनिकेशन करते हैं, और कई बार अपने को कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि लोग इतना क्रिएटिव काम करते हैं, उनकी सोच बहुत कमाल की है, वही चीज उनको आगे ले जाती है। तो मेरा ही मानना है जो लोग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, क्योंकि राइटिंग जिसको आ गई, क्योंकि जब भी कोई लिखता है उसको इमेजिन करता है, जिसने इमेजिन कर लिया उसने डायरेक्ट कर लिया, वो एम्बियंस तो बना ही देगा ये अगर राइटर। तो जो लोग राइटिंग करके शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, उसके बाद मैंने इतनी कमाल की फिल्में देखी, हमें लगता है यार हमने नाम तो कमा लिया लेकिन इस लेवल का काम नहीं आता अपने को। तो ये बहुत है सही है कि उनको छोटे छोटे लिख के, अपने मोबाइल फोन से भी मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत क्रिएटिव हो गए, वो करना चाहिए, कब कौन सी चीज क्लिक कर जाए कोई पता नहीं चलता। और वो उसको ना एक चीज और आनी चाहिए बच्चों में, जो भी स्टूडेंट है वो बनाए और वो डाले, उसको एक्सपोजर दे, उसकी प्रमोशन करे, लोगों की नजरों तक पहुंचे वो। क्योंकि क्या कि मेरे पास एक राइटर आए थे कॉलेज में, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे शायद नेशनल कॉलेज से, वो लड़के ने शॉर्ट फिल्म बना के मुझे भेजी, क्योंकि उनकी बड़ी सिस्टर मेरे साथ है, मेरी कंपनी में कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो उसने बोला मेरे छोटे की शॉर्ट फिल्म देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये बंदा तो आने वाला अनुराग कश्यप है भाई, और आप आज यकीन नहीं मानोगे, वो लड़का माधवन की फिल्म लिखी है उसने, रॉकेटरी, बड़े बड़े शोज लिख रहा है, और अभी महज 22-23 साल का लड़का है, कॉलेज से निकला। हम लोग जितनी मदद कर सकते थे करे, पर बहुत ज्यादा उसकी एक शॉर्ट फिल्म अनुपम जी के पास पहुंच गई, अनुपम खेर जी के पास, आज अनुपम जी उसकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जरिया है बच्चों को, जितना क्योंकि इनका फ्रेश माइंड होता है, जो आज के स्टूडेंट हैं बहुत फ्रेश माइंड होता है, उनको लिखना चाहिए, लिखने के बाद वो उसको बनाए, बनाने के बाद वो आगे जाते हैं, लोग टैलेंटेड लोगों को सामने से बुलाते हैं। मैं कितने लोगों को ऐसे बुलाता हूँ, यार आ जाना मेरे साथ काम कर ले भाई, सैलरी दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को भी रहता है ना कि खुद का प्रोडक्ट अच्छा होता है उससे, यू नो। और जब ये फ्रेश माइंड यंग जनरेशन जुड़ते हैं, उनका थॉट अलग होता है, ये एक बेस्ट क्या बोल सकते, एक्सरसाइज भी है, और दूसरा अपने आप को प्रूव करने का मौका भी है, जो बिना पैसे के रहता है। अगर असिस्ट करने जाएंगे फ्रेंकली बताओ, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत लंबा जर्नी होती है, पर वहाँ पे फेवरिज्म चलता है, टेलीविजन में आप असिस्ट करने आओगे जैसे, तो पता चले साल भर असिस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है टेलीविजन में थोड़ा सही रहता है कि और भी बहुत सारी चीजें मैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी बोली हो तो रहती है। उसके अलावा आपका पीआर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके चैनल में कैसे रिलेशन है, हाउ यू विद क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आपकी अच्छी है, पता चले आपके क्रिएटिव के साथ झगड़ा हो गया, 2-4 दिन बाद क्रिएटिव का अपना डायरेक्टर आ जाएगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा मैनिपुलेट करने से बचता हूँ, लेकिन लाइफ में चलना है तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ती है। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन आज के डेट में, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म अभी भी देखी है जो बना रहे हैं, बहुत कमाल का है, वो करना चाहिए। राइटिंग, जिसको राइटिंग आ गई सर उसको सब आ गया। राइटिंग मीन्स राइटिंग, आप लिखोगे क्या, इमेजिन करोगे तो ही लिखोगे, और इमेजिन कर लिया तो उसको शूट करना तो आप वैसा ही करोगे जैसा करना है, तो वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है।